विश्व के सबसे शक्तिशाली देश संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे शक्तिशाली पद राष्ट्रपति के लिए देश का 60वां चुनाव आने वाली 5 नवंबर यानी मंगलवार को हो रहा है। क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति सारी विश्व व्यवस्था को प्रभावित करता है, इसलिए सारा विश्व बेसब्री से, सारी दुनिया बेसब्री से इंतजार करती है कि डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस में से कौन अगले 4 सालों के लिए दुनिया को एक तरीके से कह लीजिए कि चलाने जा रहा है या हांकने जा रहा है। आने वाले 5 नवंबर को प्रत्येक राज्य और कोलंबिया जिले के मतदाता निर्वाचक मंडल के लिए निर्वाचकों का चयन करेंगे, जो फिर 4 साल की अवधि के लिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। भारत के संसदीय लोकतंत्र से भिन्न अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की प्रणाली जटिल भी है और अनूठी भी। संविधान के अनुसार यह प्रणाली प्राइमरी, राष्ट्रीय सम्मेलन और इलेक्टोरल कॉलेज के विभिन्न चरणों से होकर गुजरती है, तब जाकर कहीं राष्ट्रपति चुना जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया एक लंबी और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है। 5 नवंबर 2024 को होने वाले अंतिम राष्ट्रपति चुनावों के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने आयोवा के पहले इन द नेशन कॉकस में अपनी पहली महत्वपूर्ण जीत हासिल कर ली है। अब आपको लग रहा होगा कि ये कॉकस क्या है और ये प्राइमरी से कैसे अलग है, उम्मीदवार के नामांकन की प्रक्रिया क्या है और अमेरिका में चुनाव कैसे होते हैं, ये पूरी दुनिया के लिए जानने का भी विषय है और इंटरेस्ट का भी, रुचि का भी। अमेरिका में मतदान प्रक्रिया के बारे में सब कुछ जानने की जरूरत इसलिए पड़ जाती है क्योंकि इसमें महीनों लग जाते हैं। पूरी प्रक्रिया में जो चुनावी प्रोसेस है वो महीनों महीनों चलता है। अमेरिकी सरकार और अमेरिकी दूतावास और वाणिज्यिक दूतावास की वेबसाइट से तमाम जानकारियां मिलती हैं और अमेरिका चुनाव जो है वो प्रमुख 2 राजनीतिक दलों में ही अब तक होता आया है, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन। ये दोनों सबसे पहले अपने अभियान की शुरुआत करते हैं और उम्मीदवार उतारते हैं। अभियान के इस भाग में अपनी टीम का गठन करना होता है, अपने अभियान के लिए समर्थन और धन जुटाने के लिए रैलियां आयोजित करना होता है। अभियान की शुरुआत में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन उम्मीदवार टेलीविजन पर बहस में भी भाग लेते हैं। बहस के दौरान प्रत्येक उम्मीदवार अपनी नीतियों के बारे में कठिन सवालों का जवाब देता है, उन्हें अन्य उम्मीदवारों के खिलाफ मुद्दों और नीतियों पर अपने रुख का बचाव करने का भी मौका इसी टीवी डिबेट में मिलता है। अमेरिका में हर 4 साल में नवंबर महीने में ही चुनाव होता है। चुनाव के लिए देश की दोनों प्रमुख पार्टियां रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक अपने दावेदार खुद नॉमिनेट करती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में यूं तो 2 प्रमुख पार्टियां हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक, उसी का बोलबाला है, लेकिन एक ही पार्टी से राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए दर्जनों दावेदार खड़े होते हैं। इन दावेदारों में से एक का चुनाव करके आधिकारिक रूप से उसे पार्टी की ओर से चुनावी मैदान में उतारा जाता है और इसके लिए देश के लगभग हर राज्य में प्राइमरी और कॉकस बैठकों का आयोजन होता है। प्राइमरी के लिए प्रत्यक्ष चुनाव होता है जिसमें पार्टी के रजिस्टर्ड वोटर्स अपने पसंदीदा उम्मीदवार के लिए वोट करते हैं। कॉकस से अलग प्राइमरी का संचालन पोलिंग स्टेशंस पर होता है। वोटर्स सामान्य तौर पर गोपनीय बैलेट के जरिए अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट करते हैं। प्राइमरी आमतौर पर 2 तरह की होती है, एक क्लोज प्राइमरी जिसमें सिर्फ पार्टी के रजिस्टर वोटर्स हिस्सा लेते हैं और दूसरी ओपन प्राइमरी जिसमें किसी भी पार्टी का मेंबर होना जरूरी नहीं है, आप अपनी राय दे सकते हैं। अब प्राइमरी के बाद बारी आती है कॉकस की। कॉकस एक तरह की स्थानीय बैठक होती है जिसका आयोजन किसी स्कूल, किसी टाउन हॉल समेत किसी सार्वजनिक पब्लिक प्लेस पर होता है और इस बैठक में पार्टी के रजिस्टर्ड जो मेंबर हैं वो इकट्ठा होते हैं और राष्ट्रपति के उम्मीदवार का चुनाव करते हैं। दोनों पार्टियों में उम्मीदवार बनने की चाहत रखने वाले लोग हर स्टेट में प्राइमरी और कॉकस इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। प्राइमरी और कॉकस चुनाव में जो जीतता है वो दोनों पार्टियों की ओर से औपचारिक उम्मीदवार बनता है। हर राज्य में प्राइमरी और कॉकस चुनाव जीतने के बाद इन्हें निश्चित संख्या में डेलीगेट्स का समर्थन हासिल होता है, जो कि उम्मीदवार महीनों चलने वाली इस प्रक्रिया में अपनी पार्टी के डेलीगेट्स की तय संख्या अपने पक्ष में करता है, वो नॉमिनेशन हासिल करता है, यानी वो औपचारिक रूप से पार्टी का उम्मीदवार बन जाता है। इसलिए हम शुरुआत में कह रहे थे कि ये महीनों महीनों चलने वाली प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं।
हर पार्टी का अपना एक नेशनल कन्वेंशन होता है। इसमें आमतौर पर उस उम्मीदवार की आधिकारिक औपचारिक रूप से उसकी पुष्टि होती है जिसने पर्याप्त डेलीगेट्स जीत लिए हैं। इसकी घोषणा के लिए नेशनल कन्वेंशन का आयोजन किया जाता है और इस कन्वेंशन में पार्टी की ओर से तय किए गए राष्ट्रपति के उम्मीदवार, उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार, उनकी घोषणा होती है। एक शब्द इलेक्टोरल कॉलेज, जिसकी भी खूब चर्चा होती है अमेरिकी चुनाव में, ये अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का सबसे जटिल चरण है। ये जो फेज है ये सबसे कठिन और जटिल माना जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज दरअसल वो निकाय है जो राष्ट्रपति को चुनता है, और इसे आसान भाषा में इस तरह से समझ सकते हैं कि आम जनता राष्ट्रपति चुनाव में ऐसे लोगों को वोट दे जो इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं और उनका काम देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को चुनना है। एक और बहुत दिलचस्प बात है अमेरिकी चुनाव की। नवंबर के पहले सप्ताह में मंगलवार को वोटिंग उन मतदाताओं के लिए होती है जो राष्ट्रपति को चुनते हैं। ये इलेक्टर्स निर्वाचित होने के बाद दिसंबर महीने में अपने अपने राज्य में एक जगह इकट्ठा होते हैं और राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोट करते हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति का चुनाव एक अप्रत्यक्ष प्रक्रिया है जिसमें सभी राज्यों के नागरिक इलेक्टोरल कॉलेज के कुछ सदस्यों के लिए वोट करते हैं और इन सदस्यों को इलेक्टर्स कहा जाता है। ये इलेक्टर्स इसके बाद प्रत्यक्ष रूप से वोट डालते हैं जिन्हें इलेक्टोरल वोट कहते हैं। इनके वोट से अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चयन होता है। ऐसे उम्मीदवार जिन्हें इलेक्टोरल वोट्स में बहुमत मिलता है वो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद के लिए चुने जाते हैं। समझ लीजिए, जैसे 538 सीटों पर चुनाव का जो विजेता है वो उम्मीदवार होता है जो 270 या उससे अधिक सीटें जीतता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो राष्ट्रपति बन जाए। ये संभव है कि कोई उम्मीदवार राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक वोट जीत ले लेकिन फिर भी वो इलेक्टोरल कॉलेज की ओर से जीत नहीं पाया। ऐसा मामला 2016 में सामने आया था हिलरी क्लिंटन के लिए, इलेक्टोरल कॉलेज की ओर से वो नहीं जीत पाई थी। यानी आपको इलेक्टोरल कॉलेज में भी जीतना है और उसके पहले के भी सारे फेज आपको पार करने हैं। अमेरिका में विजेता का ऐलान चुनाव की रात ही कर दिया जाता है। राष्ट्रपति की आधिकारिक तौर पर जनवरी में वॉशिंगटन डीसी में आयोजित एक समारोह में उसे शपथ दिलाई जाती है और इस तरीके से एक लंबी जटिल प्रक्रिया के बाद अमेरिकी चुनाव संपन्न होता है। अमेरिकी चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर आपको अमर उजाला दिखाएगा सीधे अमेरिका की जमीन से 2 नवंबर से लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।